Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you will be fine at home. Lecture number 2, chapter number 7, Little Mouse Leaves Home. First paragraph में हमने पढ़ा था कि little mouse जो है वो अपने घर से बाहर जाता है अपनी mother की permission से और वहाँ पे बाहर जाके cat को देखता है, लेकिन वो real में cat को नहीं cock को देख के आता है. और नेक्स्ट पैराग्राफ जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है उसकी आज हम रीडिंग करेंगे. दैट वॉज नॉट द कैट, वो बिल्ली नहीं है. यू सिली माउस, बेवकूफ चूहे, सेड मदर माउस, चूहे की माँ ने कहा. दैट वॉज द कॉक, वो तो मुर्गा है. ही विल नॉट हर्ट यू, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा. ही लुक बिग एंड फीड्स, वो बड़ा और खौफनाक है. सेड लिटल माउस, छोटे चूहे ने कहा. बट आई सा अ लवली एनिमल, मैंने एक प्यारा सा जानवर देखा है. ही हैड सॉफ्ट फर, उसके नर्म पर हैं. He had lovely paws, और प्यारे से पंजे हैं. He had a gentle voice, और उसकी प्यारी सी आवाज़ है. He said purr purr. I saw going to talk to him, मैं उससे बात करने जा रहा था. When the cock started to flap his wings and shout, और तभी जो है वो मुर्गे ने अपने परों को फड़फड़ाना शुरू कर दिया और चिल्लाना शुरू कर दिया. यू सिली सिली माउस, बेवकूफ चूहे, सेड द मदर माउस, चूहे की माँ ने कहा. दैट वॉज द कैट, वही तो बिल्ली है. ओ मॉम, आई एम जस्ट अ लिटल बिट स्मॉल टू गो अवे, मैं तो बहुत छोटा हूँ बाहर जाने के लिए. आई विल स्टे एट होम विथ यू, मैं आपके पास घर पे रहूँगा, सेड लिटल माउस, छोटे चूहे ने कहा. दिस इज आवर कंप्लीट रीडिंग. यू रीड एट होम दिस पैराग्राफ एंड डिस्कस विद मी इन ग्रुप. And the new words fed up. Fed up mean तंग आ जाना. Beware, बच के रहना. Feeds, गजबनाक. Terrible, खौफनाक. Tail, long tail, लंबी तुम. Paws, पंजे. Back, वापस. Flapped, फड़फड़ाती. Wings, परों. Hurt, जख्मी करना. Lovely, प्यारा. Voice, आवाज़. सिली, बेवकूफ. स्टूडेंट्स, आज हम इसके साथ इस लेसन के वोकैबुलरी वर्ड भी करेंगे जो कि आप अपनी वर्कबुक पेज नंबर 3 पे नोट करेंगे, जो कि आपको सेकंड टर्म की वर्कबुक दी जाएंगी, उन पे आप इनको सॉल्व करेंगे. फर्स्ट वोकैबुलरी वर्ड HURT, हर्ट. HURT, हर्ट. SILLY, सिली. SILLY, सिली. VOICE, voice. VOICE, voice. GENTLE, gentle. GENTLE, gentle. SHOUT, shout. SHOUT, shout. You complete this work on your workbook. Allah Hafiz.